नमस्कार, असम आदित्य समय काजल आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। आज महान भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग की 80वीं जन्म जयंती है। स्टीफन हॉकिंग महज 21 साल की उम्र में ही न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारी से ग्रसित हो गए थे। बावजूद इसके उन्होंने ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों की जाँच की थी। आज महान भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग की 80वीं जन्म जयंती है। स्टीफन विलियम हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में हुआ था। साल 1965 में हॉकिंग ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अपनी डॉक्टरेट थीसिस प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग का बचाव किया था, जिसने क्रांतिकारी सिद्धांत प्रस्तुत किया कि अंतरिक्ष और समय की उत्पत्ति एक विलक्षणता से हुई, एक बिंदु जो असीम रूप से छोटा और घना है, जिसे आज प्रमुख रूप से ब्लैक होल के तौर पर जाना जाता है। हॉकिंग ने अपने करियर की शुरुआत कैम्ब्रिज के गोनविल और केस कॉलेज में रिसर्च फेलो के रूप में की थी। हॉकिंग ने साल 1974 में खोज की थी कि पार्टिकल्स ब्लैक होल से बच सकते हैं। हॉकिंग विकिरण नामक इस सिद्धांत को भौतिकी में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। 1979 में ब्लैक होल पर हॉकिंग के काम ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उन्हें गणित के लुकासियन प्रोफेसर के रूप में नियुक्त करने के लिए प्रेरित किया। उनका निधन 76 वर्ष की आयु में 4 मार्च 2018 को हुआ था। स्टीफन हॉकिंग महज 21 साल की उम्र में ही न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारी से ग्रसित हो गए थे। बावजूद इसके उन्होंने ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों की जांच की थी। वो ब्लैक होल और बिग बैंग के अपने प्रसिद्ध विचारों के साथ हमारे युग के सबसे अधिक पहचाने जाने वाले वैज्ञानिक हैं। आधुनिक भौतिकी में उनके योगदान के अलावा उनकी सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तकों ने दुनिया भर में लाखों पाठकों के लिए इस क्षेत्र को व्यापक रूप से सुलभ बना दिया। आज इस महान भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग की जन्म जयंती के अवसर पर असम आदित्य की ओर से हम सभी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्य के अन्य हिस्सों के साथ साथ सोनारी में भी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। सोनारी के विभिन्न विद्यालयों में 15 से 18 वर्ष के आयु वाले किशोर किशोरियों को ये टीका प्रदान अभियान जारी रखा है स्वास्थ्य विभाग ने। प्रदेश के अन्य हिस्सों के साथ साथ सोनारी में भी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। सोनारी के विभिन्न स्कूलों में 15 से 18 वर्ष के आयु वाले किशोर किशोरियों के लिए कोविड टीकाकरण अभियान जारी रखा है स्वास्थ्य विभाग ने। आज सोनारी के पद्म कुमारी बरुआ बालिका हायर सेकेंडरी स्कूल में ये टीके प्रदान किए गए। इस स्कूल में करीब 326 छात्राएं वैक्सीन के योग्य होने की वजह से उन्हें टीके लगाने की सुविधा प्राप्त हुई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी इस अभियान में स्कूल के विद्यार्थियों की पूरी सहयोगिता नजर आई और असम सरकार के ऐसे कदम उठाने के कारण पद्म कुमारी बरुआ बालिका हायर सेकेंडरी स्कूल के अध्यापक ने शुभकामनाएं देने के साथ साथ सभी लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने का भी आग्रह किया है। सुंदर पदक्षेप बुली कब पारि सुस्वास्थ्यर और सुरक्षित भविष्य दिशे एखोज बुली कब पारि सको सरकारी और बेसरकारी विद्यालय सामरी सरकार पदक्षेप 15 বছৰ বয়সৰ পৰা 18 বছৰ বয়সলৈকে ভেকচিন প্ৰদানৰ যি পদক্ষেপ ই শলাগিবলগীয়া বুলি মই ভাবোঁ। কোভিডৰ এই তৃতীয় লহৰ আৰম্ভণিতে এই জটিল সন্ধিক্ষণত অতি খৰতকীয়াভাৱে এটা সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ দিশে লগতে দুটা আগন্তুক যি পৰীক্ষা আহিব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰু মেট্ৰিকৰ তেওঁলোকৰ এই পৰীক্ষাৰ্থীসকলক এটা মানসিকভাৱেও জোৰ পাব মই ভাবোঁ। এই ভেকচিন প্ৰদানৰ জৰিয়তে এটা ধনাত্মক দিশ এটা বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰিব। অৱশ্যে অকল ভেকচিন লৈয়ে কোভিডৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাম বুলি ভবাটো ভুল কথা হ'ব। কোভিডৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ আমি চৰকাৰে বান্ধি দিয়া বা স্বাস্থ্যবিধিয়ে যিখিনি কথা কয় সেই সকলোখিনি আমি আখৰে আখৰে পালন কৰিব লাগিব। চৰাইদেউছে ৰূপামণি গগৈ কি ৰিপৰ্ট অসম আদিত্য। सूरत में गुरुवार को सचिन इलाके में स्थित विश्व प्रेम डाइंग एंड प्रिंटिंग मिल में केमिकल टैंकर के लीक होने से 6 लोगों की मौत हो गई।
इस हादसे में 25 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल अब सभी मजदूरों को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। सूरत में गुरुवार को सचिन इलाके में स्थित विश्व प्रेम डाइंग एंड प्रिंटिंग मिल में केमिकल टैंकर के लीक होने से 6 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में 25 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल सभी मजदूरों को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। गुरुवार सुबह हुए इस हादसे के बाद मिल में हड़कंप मच गया था। मजदूरों के बीच अफरा तफरी मच गई। फौरन घटना की सूचना पुलिस को दी गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच भी शुरू कर दी। सिविल अस्पताल के डॉक्टर ओमकार चौधरी ने बताया कि सूरत के सचिन जीआईडीसी इलाके की एक कंपनी में गुरुवार सुबह गैस रिसाव से 6 लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक मिल के पास स्थित नाले में अज्ञात टैंकर चालक जहरीला केमिकल नाले में डाल रहा था। उस दौरान उसमें से एक जहरीली गैस का रिसाव होने लगा, जिसके चलते पास ही में स्थित प्रिंटिंग मिल के कर्मचारी भी इसकी चपेट में आ गए। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। और अब समय है देश दुनिया के इतिहास में आज यानी कि 8 जनवरी की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताने की। सन 1026 में सुल्तान महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटकर उसे नष्ट कर दिया था। 1790 में अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने पहली बार देश को संबोधित किया था। 1884 में प्रसिद्ध समाज सुधारक केशव चंद्र सेन का जन्म हुआ था। 1908 में मशहूर अभिनेत्री मैरी नादिया वाडिया का जन्म हुआ था। 1909 में उपन्यासकार आशापूर्णा देवी का जन्म हुआ था। 1926 में भारतीय ओडिसी नृत्यांगना केलुचरण महापात्र का जन्म हुआ था। 1929 में भारतीय अभिनेता सईद जाफरी का मालेर कोटला में जन्म हुआ था। 1929 में नीदरलैंड्स और वेस्ट इंडीज के बीच पहला टेलीफोन संपर्क स्थापित हुआ था। 1938 में भारतीय फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री नंदा का जन्म हुआ था। 1942 में प्रसिद्ध ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग का जन्म हुआ था। 1966 में फिल्म निर्देशक बिमल रॉय का निधन हुआ था। 1973 में रूस का स्पेस मिशन लूना 21 लॉन्च किया गया था। 1984 में पहली भारतीय महिला पायलट सुषमा मुखोपाध्याय का निधन हुआ था। 1984 में उत्तर कोरिया के तीसरे सर्वोच्च नेता किम जोंग उन का जन्म हुआ था। 1995 में समाजवादी चिंतक स्वतंत्रता सेनानी और राम मनोहर लोहिया तथा जयप्रकाश नारायण के निकट सहयोगी रहे मधु लिमय का निधन हुआ था। 1996 में फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा मित्रा का 79 वर्ष की आयु में पेरिस में देहांत हुआ था। 2008 में केंद्र सरकार ने अरुण रामनाथन को वित्तीय क्षेत्र का सचिव नियुक्त किया था और इसी साल उपन्यासकार व पत्रकार मैकडोनाल्ड फ्रेजर का निधन हुआ था। और आज ही के दिन सन 2020 में टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने वाईफाई कॉलिंग को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया था। ये सर्विस किसी भी वाईफाई पर और भारत में प्रत्येक जगह काम करेगी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।